हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पुणे में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 4 का वर्कशीट 5 का मैं 1 से शुरू करके एक चैप्टर एक पार्ट बता चुका हूँ दोस्तों। 5 तक आज आगे बता रहा हूँ, 5 तक बता चुके हैं, आज बता रहा हूँ 6 से आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है। तो 6 नंबर का फर्स्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट में है 3/4 का पावर -9 इंटू 3/4 का पावर -7 3/4 का पावर 4x। अब यहाँ x का मान ये है, यहाँ देखिए बेस 3/4 3/4 3/4 बेस सेम है, इसका मतलब हम लोग को बेस में कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब इस दोनों में देखिए इक्वल टू यहाँ है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है या मल्टीप्लाई है तो पावर जुटता है। तो 3/4 का पावर यहाँ -9 है और जुटेगा तो फिर यहाँ फिर -7 है और बराबर है 3/4 का पावर 4x। अब देखिए यहाँ बेस बेस मिल गया ना, तो पावर भी बराबर होता है। तो हम लोग लिख देते हैं 4x बराबर, जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर। यहाँ 9 है, -9 और -7 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो -9 एक भिखारी आया 9 रुपया दिया, एक भिखारी आया 7 रुपया, दोनों को दिए ना तो -16 हो जाएगा। इसलिए x बराबर -16, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और यह माइनस था माइनस लिख दिए। समझ में आया, सारा बनाएंगे और क्लियर होगा। अभी देखते चलिए कैसे कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर बता रहा हूँ, 2/9 का पावर -6 इंटू 2/9 का पावर 3 2/9 का पावर 2x-1। देखिए बेस 2/9 सब जगह सेम है, 2/9 का पावर -6 बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में पावर जुटता है। सोच रहे हैं 21 में बताए थे, तो अभी हम लोग 5 यूनिट बता रहे हैं ना, ये 4 यूनिट देखिएगा। अब प्ले लिस्ट में जाकर 4 देखिएगा, वहाँ सारा फॉर्मूला मैं क्लियर किया हूँ कैसे आखिर बनता है। इस पिछले वाला में मतलब वर्कशीट 4 में, तो यहाँ बेस सेम है पावर जुटता है, तो -6 और +3 और यहाँ है 2/9 का पावर 2x-1। अब फिर देखिए बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ 2x-1। x वाला टर्म को पहले लिखना ताकि कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अब 3 है प्लस मतलब है 6 देना है, तो हो जाएगा 3 है 6 देना तो -3। अब 2x बराबर -3, इधर -1 है, इधर जाएगा तो +1। अब अलजेब्रा सोल्व किए होंगे 6 क्लास में और इसमें भी सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ फिर 1 है, 3 देना है तो -2, और यहाँ x बराबर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा -1 आंसर। तो समझा, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ इसको एक कर देता हूँ, है ना, ऐसा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो बताते हुए चल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला 3 नंबर बता रहा हूँ, 5/7 पर पावर 2 डिवाइड ऑफ 5/7 पर पावर 3x+1 बराबर 5/7 पर पावर 4। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, बेस सेम है और किसके फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो पावर घटता है। तो 5/7 2-3x+1 बराबर 5/7 का पावर 4। समझ में आया, बेस सेम है डिवाइड के फॉर्म में तो पावर घटता है, चीटी कह दिया है, और बेस सेम है मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर जुटता है। तो अब यहाँ बेस सेम हो गया, पावर भी सेम होगा, तो यहाँ देख लो 2-3x+1 बराबर 4। पहले इस माइनस को ही हटा लेते हैं या इसको इस टर्म को इधर कर लेते हैं, तो 2-4 बराबर 3x+1। ये क्या किए हैं, ये माइनस पूरा टर्म माइनस है ना, इस पार गया तो प्लस हो गया और ये प्लस था इस पार आया तो माइनस। अब यहाँ लिख लिए 3x, यहाँ देखिए 2 में 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो -2, और ये +1 है इस पार जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना, तो कितना हो गया -3 बराबर 3x। अब x बराबर -3 और ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो 3 डिवाइड में कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा -1। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों ऐसे यहाँ, है ना, ताकि स्क्रीन शॉट लेकर रखिएगा आप तो फिर बाद में देखिएगा। अगला है -6/11 का पावर 6x डिवाइड ऑफ -6/11 का पावर -2।
दोस्तों आप सोच रहे हैं कि दो ठो वीडियो में क्यों बनाते हैं, एक ही ठो में क्यों बनाए बनाते हैं, सोच रहे हैं ना दोस्तों। इतना लंबा लंबा वीडियो, क्योंकि टोटल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो बहुत लंबा लंबा वीडियो बन जाता है। और अगर नहीं जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो बच्चा सा, आप लोग सोचते हैं कि ये वीडियो, ये क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, मुझे टोटल क्वेश्चन बनाने आता है, कोई भी पूछ लीजिएगा आप तो, इसलिए हम टोटल ये बना देते हैं, ताकि बच्चा सब बोलता है कि आपको सर नहीं आता ये, इसलिए नहीं बनाते, इसलिए सब बना रहे हैं अभी। इसलिए यहाँ देख लो, एक्स है माइनस टू, बेस सेम है सबका, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर माइनस माइनस होगा। यहाँ क्या है, एक्स माइनस फिर माइनस टू, यहाँ देखिए फिर माइनस लगा हुआ है और फिर हॉल पर ब्रैकेट माइनस वन है ना, अभी रहने देते हैं। और यहाँ पर है माइनस सिक्स बाय अलेवन का पावर टू का पावर थ्री है, माइनस थ्री है, पावर ये तो बहुत कम्प्लेक्स है, तो देख लीजिए बढ़िया से देखिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। तो यहाँ माइनस सिक्स का बट अलेवन का पावर, जैसे यहाँ देखिए टू एक्स और माइनस माइनस प्लस प्लस टू ऐसा हो गया, और पावर है माइनस वन। उसके बाद यहाँ है माइनस सिक्स बाय अलेवन, पावर टू दी पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो थ्री टू जा सिक्स और प्लस इंटू माइनस, माइनस सिक्स हो जाएगा है ना। और यहाँ भी देख लो, यहाँ भी पावर टू दी पावर, पावर का मल्टीप्लाई होगा, माइनस सिक्स बाय अलेवन का पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस टू और बराबर माइनस सिक्स बाय अलेवन का पावर माइनस सिक्स। और बेस सेम है, पावर सेम होगा, माइनस सॉरी माइन क्या है इसमें कुछ है गुस्सा हुआ, माइनस एक्स माइनस टू बराबर माइनस सिक्स। अब माइनस एक्स बराबर माइनस सिक्स प्लस टू, इस पार गया तो प्लस हो गया, माइनस एक्स बराबर देखिए टू रुपया है, छः रुपया देना है तो माइनस चार हो गया, एक्स बराबर माइनस से माइनस कट गया तो फोर हो गया। सॉरी दोस्तों, इसको ना क्वेश्चन हम थोड़ा सा मिस उतर लिए हैं, हम पूरे में ब्रैकेट माइनस वन लगाए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ इसमें माइनस वन पावर इसमें है। तो ये अगर क्वेश्चन है इसको आप स्टार लगा के उधर लीजिएगा, ये अलग क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बता दिए, ये क्वेश्चन अलग है, इसका क्वेश्चन ये आ रहा है यहाँ, लेकिन माइनस इस बॉक्स पर पावर माइनस वन है ना, इसका आंसर कुछ और आएगा तो चेक कर लेते हैं। पहले ये उतार लीजिए क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन आप सिखा दिए हम आपको दूसरा टाइप से, मतलब इसका आंसर ये होगा, लेकिन मैं आप जो रियल क्वेश्चन वो यहाँ मिस हुआ है उतारने में, क्योंकि पूरे पे हॉल पे ब्रैकेट माइनस वन दे दिए हैं, या हॉल पे नहीं है, सिर्फ इस वाला साइड में माइनस वन है। तो चलिए अब उसको बना रहे हैं फिर से अगेन। तो इसमें देखिए फोर नंबर में यहाँ मिस हो गया, इसलिए अगर दूसरा उतार लिएगा ना दूसरा आंसर हो जाएगा माइनस। चलिए वो बताए तो आपको फ़ायदा ही होगा, ताकि किसी को पूछिएगा वो क्वेश्चन, अगर बहुत जो ट्रर फर्क रहेगा तो है ना। और फिर देखिए यहाँ माइनस सिक्स का पावर टू है और फिर यहाँ माइनस वन है, ये इसी पे ब्रैकेट है ना, मैं पूरे पे दे दिए थे, इक्वल टू माइनस सिक्स बाय अलेवन का पावर टू का पावर थ्री है ना। पहले देखिए माइनस सिक्स बाय अलेवन का पावर एक्स, पहले ये हॉल पे हॉल है तो इसी को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तो माइनस सिक्स बाय अलेवन पावर टू दी पावर, पावर का मल्टीप्लाई माइनस टू इंटू वन करेंगे तो टू ए होगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आया। माइनस सिक्स बाय अलेवन पावर टू दी पावर, पावर का मल्टीप्लाई थ्री टू जा सिक्स प्लस इंटू माइनस, माइनस सिक्स। अब देखिए यहाँ डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर माइनस होगा, माइनस सिक्स बाय अलेवन का पावर एक्स माइनस टू, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में है तो माइनस होगा, और माइनस सिक्स बाय अलेवन का पावर माइनस सिक्स। अब बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, माइनस टू बराबर माइनस सिक्स, एक्स बराबर माइनस सिक्स, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस टू, तो एक्स बराबर दो रुपया है, छः रुपया जाना है तो माइनस फोर, ये आंसर होगा, समझ में आया। देख लिए दोस्तों, मैं दोनों बता दिए, उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए, ये भी बता रहे हैं, अगला बता रहा। अब क्या है देखिए, सेवन नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें घेरा लगा हुआ था, अभी देखिए मैंने मिटाया, कोई बच्चा सब बना नहीं पाया होगा इसलिए लगाया। यहाँ बोलता है कि p बाय क्यू बराबर टू बाय थ्री का पावर टू इंटू वन बाय थ्री का पावर माइनस फोर हैं, तो फाइंड इसका मान निकालना। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसी को, इतना का मतलब होता है टू बाय थ्री का पावर टू, और यहाँ माइनस हटाएंगे तो ये थ्री बाय वन का पावर फोर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, टू का पावर टू इंटू टू और थ्री का पावर टू थ्री इंटू थ्री, और यहाँ भी है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, और वन तो वन रह जाएगा, एक दो कट गया,
हम लोग का आंसर क्या आ गया, 3 3 9 3 3 9 2 18 36 36 आ गया। इसका मतलब P बाई क्यू का मतलब क्या है, 36 है। फरमाया अब लेकिन हम लोग को निकालना है P बाई क्यू का, है ना, P बाय क्यू का पावर माइनस टू निकालना है ना, इसका पावर माइनस टू। अभी हम लोग का P बाय क्यू का मतलब यह 36 निकाले हुए हैं, इसका पावर माइनस टू लगा देते हैं। माइनस टू मतलब 1/36 का पावर टू, माइनस मतलब बटा में जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 1/36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1296 यह होगा आंसर। फरमाया देख लीजिए दोस्तों कैसे कैसे बनाए बढ़िया से। ये भी इसी तरह से 8 नंबर, ए बराबर निकालना है पहले 3 का पावर 5 है दोस्तों। इस कभी कभी मैं फार्मूला लगाता हूँ, कभी नहीं लगाता हूँ, तो दोनों तरह से बना सकते हैं। 7/5 का पावर 0, ध्यान रखना कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है ना 1 होता है उसका मान, और यहाँ हो जाएगा माइनस टू है तो इसको 5/3 का पावर 2, और डिवाइड ऑफ कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9। हम लोग को a बराबर निकल गया ये, अब हम लोग को निकालना है क्या a पर पावर माइनस थ्री, ए पर पावर माइनस थ्री मतलब 25/9 का पावर -3 निकालना है ना, तो 3/25 का पावर 3 प्लस करेंगे तो ये पलट जाएगा। अब 9 × 9 × 9 9 9 = 20 9 9 = 81 × 9 = 729, 25 × 25 = 625, फिर को 25 का करेंगे तो 15625 हो जाएगा, यह होगा आंसर। अगला बता रहे हैं कितना नंबर, 9 नंबर, देखिए 9 नंबर कैसे है। तो 9 नंबर में है क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये तो बढ़िया से उतार लेता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। 2/3 × 2/3 - 1 × 3^-1, दोस्तों यहाँ ब्रैकेट नहीं है, लगा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, × 1/6 है ना, ब्रैकेट लगा भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंप्लीफाई करना मतलब पूरा आंसर निकालना, पहले देखिए ये ब्रैकेट हटा लेते हैं, 2/3 × 2^ पावर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, ऐसे भी बना सकते हैं बिना पावर का, 2/3 का पावर -4, 3 इसको 1 - 1 है तो 1/3 × 1/6। अब देखिए ये दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर जुटता है, तो 2/3 का पावर 6 जोड़ेंगे तो +-4 है × 1/6 रहने देता हूँ, 3 × 1/6। अब देखो 2/3 6 में +−6 में 4 घटेगा तो होगा 2 मतलब 2/3 × 2/3 ऐसा होगा, और 1/3 × 1/6 एट कट जाएगा कहता हूँ 3 बार में, तो ऊपर में हम लोग को बचा 2 बचा, और नीचे में 3 × 3 × 3 3 3 9 87 81। फरमाया दोस्तों इसमें फार्मूला लगा भी सकते हैं, अगर ऐसे खोल दीजिएगा तब भी आ जाएगा, मैं इसमें से कोई भी आपको चूज करके जो आ रहा है वो बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा तरीका से बना, इसी को मैं इसको दूसरे बार बना दीजिएगा दूसरे तरह से बना देंगे आप। नेक्स्ट है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, पहले इसका आंसर निकालना उसके बाद रेसिप्रोकल निकालना, तो चलिए पहले आंसर निकालते हैं, ये 10 नंबर का बता रहा हूँ, 1/2 का पावर -2 डिवाइड ऑफ 2/3 का पावर -3 ऐसा क्वेश्चन है, तो माइनस हटाएंगे पावर में तो 2/1 1 नहीं लिखते हैं पावर 2, 3/2 का पावर माइनस हटाएंगे तो 3 ऐसा हो गया। अब इसका मतलब है 2 का पावर 2 मतलब 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9 × 3 = 27 / 2 × 2 = 8 4 × 2 = 8 ऐसा हुआ। अब देखो डिवाइड को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है 4 × 8/27 या कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, ये कटेगा तो नहीं है, तो इसलिए कितना हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का आंसर हो गया 8 × 8 = 32 32/27 ये हम लोग का आंसर हुआ। लेकिन हम लोग को चाहिए कि रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ऑफ कितना 32/27 रेसिप्रोकल मतलब पलट देना है, तो इसका पलटेंगे तो 27/32 ये होगा आंसर है ना, रेसिप्रोकल मतलब पलटना है। नेक्स्ट है 10 नंबर का 2 नंबर बता रहा हूँ,
2/5 का पावर 3, 5/4 का पावर 2। तो यहाँ देखिए बेस सेम तो है नहीं, तो 2 × 2 × 2 कर लेते हैं, बेस सेम है नहीं, तो 2 × 3 × 2 × 2 × 2 दोनों 4 × 8, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125, 5 × 5 = 25, 25 और 4 × 4 = 16। अब कट जाएगा ये 2 बार में और 25 × 5, तो हम लोग को ऊपर में कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 5 × 2 = 10 बचा। अब इसका जो रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 10/1 नहीं लिखते हैं, तो आंसर हो गया हम लोग का 10। नेक्स्ट है 11 नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। दोस्तों यहाँ माइनस है तो पॉजिटिव में ला के दिखाना, 3/2 × −4। हम बताए अभी पॉजिटिव लाना है तो ये पलट जाता है, तो 2/3 × 4 ये होगा आंसर। सेकंड नंबर 3 × −3 = 2 है, तो पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, माइनस थ्री हटाने के लिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 × 4 तो 3 × 2 = 6, −6 हो जाएगा। अब ये जो पावर हटाएंगे तो 1/3 × 6 पॉजिटिव में ला दिए, ऐसा भी लिख सकते हैं या 1/3 × 6 यहाँ भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ 2 रहता तो फिर नहीं लिख सकते, सिर्फ 1 में ही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर कितना दीजिएगा तो वही रहेगा। अगर यहाँ 2 रहता 3 रहता तो फिर ऐसा नहीं लिख सकते थे, यही लिखना पड़ता, लेकिन 1 में दोनों चलेगा, ये भी लिख सकते हो ये भी। अगला 3 नंबर 7/2 × −3। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर जुटता है, 7/2 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, 7/-1। अब इसको प्लस में लिखना है तो 1/7, समझ में आया। अगला बता रहा हूँ 4 नंबर 5/8 × −2 × 3 है ना, तो यहाँ देखिए 5/8 × 2 × 3 × 6 और प्लस इंटू माइनस माइनस, और इसको जब माइनस को हटाएंगे तो 8/5 × 6 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पॉजिटिव ला रहे हैं प्लस मतलब पावर को, 5 नंबर बता रहा हूँ 2/5 × −3 × 2/5 अब यहाँ देखो 2/5 बेस सेम है तो पावर जुटता है, 2/5 जुटेगा तो −3 और +5, मतलब यहाँ देखो 2/5 5 है, 2-3 जाना है तो 2 हो जाएगा आंसर। इसमें तो पॉजिटिव भी था, इसमें चेंज करना नहीं पड़ा। अगला ये भी देख लेता हूँ कितना है, 6 नंबर 8/3 / 8/5 और 8/−4 है ना, ऐसा है। तो यहाँ पहले देख लो बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर घटेगा, 8/3 − 5 और मल्टीप्लाई है 8/−4। तो आप यहाँ देख लीजिए 3 है, 5 घटेगा तो 8/−2 और यहाँ फिर 8/−4। अब देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर जुटेगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, −6, लेकिन हम लोग को प्लस के फॉर्म में चाहिए तो 1/8 × 6 दिक्कत। आगे बता रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए कैसे कैसे बना रहे हैं। अगर दोस्तों को प्रॉब्लम चल रहा है तो वर्कशीट 4 देख लीजिएगा, वहाँ मैं बताया हूँ कैसे कि फॉर्मूला है सब कैसे कैसे है, कैसे कैसे बनता है, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वहाँ जाके। नेक्स्ट है 12 नंबर एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर नेगेटिव एक्सपोनेंट लाना है। 1/7 नंबर 1 बता रहा हूँ, 5 है, निगेटिव करेंगे तो ये पलट जाएगा तो 5/−5 हो गया। दूसरा 3/2 × 9 पहले इसको तोड़ लेते हैं, 3/9 = 18 एंड माइनस में लाना है तो 1/3 × 18 −18 हो जाएगा। सेम टू सेम जो भी कर रहे हैं तो उसका उल्टा करना पड़ रहा है। अगला 3 नंबर बता रहा हूँ 5। अच्छा मैं यहाँ बताया था अभी कि
वन बाय थ्री का पावर 18 या 1/3 का पावर हॉल का पावर -18, दोनों एक ही बात है ना, क्योंकि -1 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2, 3, 4 रहता तो फिर ऐसा नहीं लिख सकते थे, तो ध्यान रखना। तो 5 का पावर 3, तीन नंबर बता रहा हूँ, 5 का पावर 2, बेस सेम है तो पावर जुटेगा, 5 का पावर 3 + 2, 5 का पावर 3 × 5, लेकिन हम लोग को निगेटिव चाहिए, तो 1/5 का पावर -5 या 1/5 का पावर -5, दोनों तरह लिख सकते हैं। माइनस अगर 1 रहेगा तो दोनों तरह लिख सकते हैं, लगातार बता रहे हैं आपको। अगला है 4 नंबर, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, सारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। -8/9 का पावर 3 का पावर 2, तो हो जाएगा -8/9, 3 × 6। अब हम लोग को माइनस चाहिए, तो 9/8 का पावर -6, पलट दिए दोस्तों, बस यहाँ माइनस लिख सकते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं, कहीं भी माइनस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगला 5 नंबर, 5/7 का पावर 3 / 5/7 का पावर 2, देखिए बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर माइनस होता है, 5/7, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 1, है ना, लेकिन हम लोग को माइनस चाहिए ना, तो 7/5 का पावर -1 कर देते हैं, समझा, पलट दिए इसको। अगला लास्ट है 6 नंबर, 2/6 / 2/5 × 2/2, यहाँ देख लीजिए 2/6, यहाँ देखिए बेस सेम है, डिवाइड के फॉर्म में तो पावर माइनस होता है, 2/6 - 5, और इधर सॉरी क्या था, 2/2 है ना, तो 5, 6 में 5 सब पर 2/1, 1 तो लिखते नहीं है, और इधर है 2/2, फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 अंडरस्टूड रहता है, 0 नहीं होता, 0 देखेंगे तो कुछ और हो जाएगा, बेस सेम है, पावर जुटता है, तो 2/1 + 2, 3, हम लोग को तो ऐसा चाहिए नहीं, तो 1/2 का पावर -3। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के लिए जरूर, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, इस पर आने का लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, दोस्तों 50 दोस्त को शेयर कीजिएगा, थैंक यू।